फ्रेंड्स, सो जैसा कि हम देख रहे थे, हमने ऑलरेडी 2 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। नाउ आज तीसरा दिन है और आज अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने का एम रहेगा। सो कंसिडरेशन वाले चैप्टर से अपन चालू करेंगे। जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक अपन देखेंगे पूरा। सबसे पहले कंसिडरेशन का मतलब क्या है? तो येट इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, बहुत ज्यादा जरूरी चीजों में से एक है। जैसे कि ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह देखा था हमने, उसी प्रकार से कंसिडरेशन भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो भी बदले में। मीन्स अगर एक व्यक्ति कुछ चीज दे रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी कुछ चीज देना पड़ेगा। दोनों को कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे देयर इज अ कंसिडरेशन। जैसे ए ने बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में? बी ने बोला हाँ। तो यहाँ पे ए कार देगा और बी 1 लाख रुपए देगा, यानी दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन उसमें अवेलेबल है। ए को क्या मिल रहा है? ए को मिल रहा है 1 लाख रुपया। बी को क्या मिल रहा है? बी को मिल रही है कार। सो देयर इज समथिंग इन रिटर्न, 1 लाख के बदले में कार, कार के बदले में 1 लाख रुपए। सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। इसी को दूसरे शब्दों में क्विड प्रो क्यू भी बोला जाता है। क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू का क्या मतलब है? सेम थिंग, समथिंग इन रिटर्न। देन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो इट इज कॉल्ड एज नूडम पेक्टम, मीन्स इट इज अ बेयर प्रॉमिस एंड लॉ विल नेवर एनफोर्स अ बेयर प्रॉमिस, इट विल ओनली एनफोर्स अ बार्गेन। मीन्स जहां पे दोनों पार्टी कुछ ना कुछ दे रही ले रही है, तभी हम बोलेंगे इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देन ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफेक्टली वैलिड। फिर कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है? तो पॉलॉक ने बोला है कंसिडरेशन मीन्स एक ऐसी चीज जिससे आपने दूसरे का वादा खरीदा, तो वो कीमत जिससे आपने दूसरे का वादा करा खरीदा है, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। फिर एक केस हुआ था क्यूरी वर्सेस मिसा, उसमें बताया गया था कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम फास्ट ट्रैक देख रहे हैं तो मैं वर्ड टू वर्ड आपको रीड करके नहीं बताऊंगा, बट इसमें यह बताया गया था इट कैन बी अ बेनिफिट टू वन पार्टी एंड अ लॉस और अ डेट्रीमेंट टू अनदर। इट कैन बी अ इंटरेस्ट, अ प्रॉफिट, अ बेनिफिट टू वन पार्टी, एक को सिर्फ फायदा हो रहा है, दूसरे को सिर्फ नुकसान हो रहा है, देन ऑल्सो इट इज अ परफेक्टली वैलिड कंसिडरेशन। देन सेक्शन 2D डिफाइन करता है वॉट इज कंसिडरेशन। सो सेक्शन 2D के हिसाब से वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर के इच्छा पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ किया या नहीं किया, हैज डन और हैज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ कर चुका है पास्ट या नहीं कर चुका है, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कर रहा है या नहीं कर रहा है, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रोमिस कर रहा है कुछ करने या नहीं करने के लिए। एब्सटेन का मतलब होता है नॉट टू डू, कुछ करने या नहीं करने का अगर वो वादा कर रहा है। देन समथिंग, then such act, abstinence or promise is called as consideration for a promise. So this is the perfect definition. अब ये definition को जब हम एक एक word तोड़ते हैं और एक एक word इसका समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आता है कि consideration actually है क्या, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। So this is what is called as essential elements of a consideration. So essential elements of a consideration में पहला point है consideration must move at the desire of the promiser. जब भी हम कोई चीज के एसेंशियल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, एक्चुअली हम क्या करते हैं, तो हम उसकी डेफिनेशन को तोड़ते हैं और उसके एक एक वर्ड को एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने डेफिनेशन से पहला पॉइंट उठाया व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, और हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट बना लिया। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट बोलता है कि कंसिडरेशन कभी भी प्रोमिसर की इच्छा पे होना चाहिए, यानी मेरे बोलने पे आपने कार्य किया है तो ऐसे केस में कंसिडरेशन है, मैंने बोला ही नहीं था, आपने अपने मर्जी से काम किया तो देर इज नो कंसिडरेशन। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मेरी अंगूठी घूम गई थी, मैंने आपको बोला कि जाओ मेरी अंगूठी ढूंढ के लाओ, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, आपने मेरे इच्छा पे ढूंढ के लाया, मैंने बोला और आपने ढूंढ के लाया, देन यू कैन डिमांड द मनी, बट मैंने कुछ बोला ही नहीं, समझो मेरी अंगूठी गुम गई। सेकेंड एग्जाम्पल, अंगूठी गुम गई, मैंने कुछ बोला नहीं, आपने देखे, आपको समझा, अरे ये तो शशांक सर की अंगूठी है, आपने वो उठा के लाए और मेरे को लाके दे दिए, क्या आप यहां मुझसे पैसे मांग सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट एट माई डिजायर, मेरे बोलने पे, मेरी इच्छा पे ये नहीं किया गया है। इफ इट इज डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर देन इट इज अ परफेक्टली वैलिड कंसिडरेशन, इफ देर इज नो डिजायर ऑफ प्रोमिसर देन इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, यहाँ पे आप पैसे क्लेम नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपको 3 केस लॉ पढ़ने को मिलेंगे। पहला था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, मैं आपको डायग्राम्स बना के नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली ये चीज बता दूंगा, वैसे भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डायग्राम की जरूरत नहीं है, जहां जरूरी है वहां पे मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। सो
इस चैप्टर में एक दो जगह पे डायग्राम्स बनाना बहुत जरूरी होगा, तो वो अपन देखेंगे। फिर दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में हुआ क्या था, एक सेठ जी होते हैं, एक कलेक्टर साहब होते हैं। कलेक्टर साहब एक दिन सेठ जी के यहाँ घूमने आते हैं, सेठ जी उनको घुमाने के लिए अपने पूरे शहर में गांव में लेके जाते हैं। उनका एक मंदिर होता है सेठ जी का, सेठ जी पहले मंदिर में ले जाते हैं, मंदिर देखा जाता है, मंदिर बड़ा पसंद आता है कलेक्टर साहब को। लेकिन मंदिर के बाजू में जो दुकानें होती हैं, ये दुकानें उनको पसंद नहीं आती। जो मार्केट होता है, ये मार्केट भी एक्चुअली मंदिर परिसर का होता है। और अल्टीमेटली सेठ जी को सुझाव दिया जाता है, कलेक्टर साहब सुझाव देते हैं कि इनको रिनोवेट क्यों नहीं कर देते, रिनोवेट कर दोगे तो तुमको और ज्यादा इनकम होगी और ज्यादा लोग तुम्हारे मंदिर आने लगेंगे। सेठ जी का बोलना होता है, यार बात तो बहुत सही कर रहे हैं, और वो सही में रिनोवेशन का काम चालू कर देते हैं। रिनोवेशन का काम चालू हो जाता है, इसके बाद इनको लगता है यार बहुत मजाक मजाक में खर्चा हो रहा है, तो वो दुकानदारों से एग्री करते हैं कि तुम जो भी चीज बेचोगे उस पे मुझे कमीशन दे देना। अब वो लोग दुकानदार बोलते हैं अभी क्या करें हम, बोल देते हैं कि ठीक है हम दे देंगे। अल्टीमेटली दुकान का काम खत्म हो जाता है, और उसके बाद पैसे मांगने सेठ जी पहुंच जाते हैं। जब पैसे मांगने जाते हैं तो दुकानदार हाथ खड़े कर देते हैं, वो बोलते हैं कि हमने तो बोला नहीं था आपको, आपने अपनी इच्छा से ये ठीक किया है। सो ऐसे केसेस में हम यहाँ पैसे देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। जब कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट भी एग्जैक्टली सेम चीज बोलता है, बिकॉज इट वॉज नॉट डन एट द डिजायर ऑफ द टेनेंट्स, इट वॉज डन एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर साहब, एंड हेंस द कंसिडरेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड। यहाँ पे इट इज वॉइड एब इनिशियो, आप पैसा क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज उनके बोलने पे आपने ये कार्य नहीं किया था। सो दिस इज द फर्स्ट केस लॉ, जो ये समझाता है कि कंसिडरेशन शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा केस लॉ ऐसा बोलता है जो कि ये बताता है कि डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए, बट इट नीड नॉट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोमिसर। इस प्रोमिसर को कोई बेनिफिट हो ये जरूरी नहीं, जैसा कि हमने केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में देखा। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में क्या हुआ था? सो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में एक व्यक्ति होता है जो कि देखता है कि टाउन हॉल अपने शहर का बहुत खराब हो चुका है। वो सोचता है चलो टाउन हॉल को रिपेयर क्यों नहीं कर देते, वो अनाउंस करता है कि टाउन हॉल रिपेयर कर दो, मैं तुमको पैसा दूंगा। अब टाउन हॉल रिपेयर करने को पूरा मटेरियल आ जाता है, जब मटेरियल आ गया तो पैसा लेने पहुंच जाते हैं सेठ जी के पास कि अरे वो टाउन हॉल का मटेरियल आया है, पैसे दे दो। अब सेठ जी मना कर देते हैं, सेठ जी बोलते हैं मैं क्यों पैसा दूं, ये मेरे घर का काम थोड़ी है, इसमें मेरे को क्या फायदा मिल रहा है, ये तो सरकारी जगह है तो इसमें मेरे को तो बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। फिर यहाँ पे झगड़ा हो जाता है, कोर्ट में केस जाता है। कोर्ट बोलता है सेठ जी को कि देखो सेठ जी, आपके बोलने पे किया ना, आपके डिजायर पे, तो दैट इज सफिशियंट, इट शुड बी एट योर डिजायर, बट इट नीड नॉट बी फॉर योर बेनिफिट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर बेनिफिट नहीं भी मिल रहा है तो भी आपके बोलने पे खर्चा हुआ है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। यहाँ खास बात आपको ये ध्यान रखने की है, जितना वादा किया था उतना पैसा नहीं देना पड़ता है, यहाँ उतना ही पैसा देना पड़ता है जितना एक्चुअल में खर्चा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेठ जी ने बोला होता कि मैं 5 लाख रुपए दान करूंगा, 5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा फॉर रिनोवेशन, लेकिन एक्चुअल खर्चा हुआ है सिर्फ 50,000 का, सो 5 लाख रुपए रिकवर नहीं किए जा सकते, ओनली 50,000 कैन बी रिकवर्ड। सो ये एक खास बात यहाँ पे थी। और इसके बाद एक और केस लॉ हुआ था जिसमें यह बताया गया था, अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली, जिसमें यह बताया गया था कि अगर खर्चा ही नहीं हुआ है तो कोई क्लेम नहीं किया जा सकता, जिसमें हमने मौलवी साहब के बारे में बताया। मौलवी साहब होते हैं और एक नमाजी होता है, नमाजी दिन में 5 बार नमाज पढ़ने जाता है मस्जिद में, और जब भी जाता है तो मौलवी साहब को बोलता है कि मौलवी साहब ये देखो यहाँ तो दीवार टूट रही है, यहाँ गलियारा टूट रहा है। दिन में 5 बार जाता है और 5 बार कुछ ना कुछ सुना के आता है। अब मौलवी साहब को एक दिन गुस्सा आता है, वो बोलते हैं अरे तुमको इतनी ही फिक्र है तो तुम क्यों नहीं इसका पैसा दे देते। अब यहाँ पे नमाजी के वो दिल पे लग जाती है बात, वो बोलते हैं ठीक है कल आ जाना, मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब दूसरा दिन आता है, मौलवी साहब पहुंच गए नमाजी के यहाँ, नमाजी अब पैसा देने से मना कर देता है। मौलवी साहब को पता था कि एक केस हुआ था जिसमें बोला गया था, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, जिसमें बोला गया था कि अगर किसी ने वादा किया है उसको भले इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो भी पैसा क्लेम किया जा सकता है, और इसीलिए वो भी कोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर कोर्ट बोलता है कि मौलवी साहब आपने कुछ खर्चा किया है क्या? तो यहाँ पे मौलवी साहब बोलते हैं जी नहीं, कैसे खर्चा करूंगा, जब पैसा आएगा तब तो खर्चा होगा। तो कोर्ट बोलता है बिकॉज यहाँ पे कोई खर्चा ही नहीं हुआ तो यहाँ पे रिकवरी नहीं की जा सकती। सो दिस इज द थर्ड केस लॉ। तीनों केस लॉ को जब आप साथ में पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट ये निकल के आता है जिसमें हमने देखा कि कंसिडरेशन शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा केस लॉ ये बताता है कंसिडरेशन नीड नॉट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोमिसर, इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर बट इट नीड नॉट बी फॉर द बेनिफिट।
और तीसरा केस, अगर खर्चा नहीं हुआ है तो क्लेम नहीं किया जा सकता, अगर खर्चा हुआ है तभी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स यहाँ पे हमने देखे थे। एक बात और बता दूं, अपन जैसे मैंने आपको बताया कि ये फास्ट ट्रैक होने के कारण, ये एक्चुअली रिविजन नहीं है, ये एक्चुअली फास्ट ट्रैक है। मैं पूरी ही चीज 100% कवर करने वाला हूँ इसमें, तो इसको रिविजन बोलने के बदले हम फास्ट ट्रैक बोलेंगे, क्योंकि इट इज 100%। तो आपको ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई कुछ चीज कंची मारी जाएगी, 100% कवर होगा। बट एक चीज बता दूं, क्वेश्चन आंसर सेशन एकदम आखिरी में होंगे, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। आखिर में अपने को कोई भी डाउट है तो अपन वो देख लेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग से एक लेक्चर भी बाद में अपन रख लेंगे। सो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ है चिन्नैया वर्सेस रामैया का, इसके बारे में हम डिस्कशन चालू करते हैं। चिन्नैया वर्सेस रामैया में क्या हुआ था, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। क्या हुआ था, एक आंटी जी होती है, आंटी जी की एक लड़की होती है और आंटी जी की एक मौसी जी होती है, यानी आंटी जी की एक बहन होती है। यहाँ पे आंटी जी के पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो बोलते हैं अपनी बेटी से कि मैं अपनी जमीन तुझको गिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन एक शर्त है कि इससे आने वाली जो भी इनकम है, एन्यूटीज है, ये तू शेयर करेगी विद मौसी जी। वो बोलती है ठीक है, आर एग्री करती है, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी जाती है। और आर बाद में, पहले तो वो पैसा देते रहती है, लेकिन एक ही डेथ के बाद वो पैसा देने से मना कर देती है। वो बोलती है मैं तुम्हें क्यों पैसा दूं मौसी जी, तुम मुझे बदले में क्या दे रहे हो। मौसी जी कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोर्ट में जब केस जाता है, कोर्ट पूछता है क्या हुआ था, बताया जाता है पूरे फैक्ट्स। कोर्ट यहाँ पे देखता है कि भाई तुमको ये जो जमीन दी गई, ये तुम्हारी इच्छा पे दी गई, तुमने ये वादा किया इसीलिए दिया गया। मीन्स तुम ये नहीं बोल सकते कि देर इज नो कंसिडरेशन, देर इज अ कंसिडरेशन। ये जो जमीन है ये कंसिडरेशन ही तो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये प्रॉमिसी ने प्रोवाइड किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। पहला हुआ था गिफ्ट, गिफ्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें मिसेज ए गिफ्ट करती है प्रॉपर्टी टू आर, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन आर एंड सी, चिन्नैया एंड रामैया, जिसमें रामैया बोलती है कि मैं तुम्हें एन्यूटीज दूंगी। एन्यूटीज का मतलब होता है जो भी एनुअल पेमेंट है, हर साल का मैं जो भी इनकम आएगी उसमें इतना हिस्सा आपको पे करूंगी। सो दो कॉन्ट्रैक्ट थे। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सी एंड आर। ठीक है, और यहाँ पे भले ही प्रोमिसी ने पैसा नहीं दिया है, कंसिडरेशन नहीं दिया है, बट स्टिल इट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज अ कंसिडरेशन, सिंस द प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू मिसेस आर, मिस आर ऑन द डिजायर ऑफ आर, क्योंकि आर की इच्छा पे ही ये प्रॉपर्टी दी गई थी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ योर कोर्स, चिन्नैया वर्सेज रामैया। तो चिन्नैया वर्सेज रामैया का केस आपको ध्यान रखना है अलॉन्ग विथ नेम। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन में बी एन एक्ट और एन एब्सटिनेंस। कंसिडरेशन एक एक्ट भी हो सकता है, कुछ कार्य करना और कुछ नहीं करना भी कंसिडरेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, मैं कार बेच रहा हूं, दिस इज अ कंसिडरेशन। या मैं कुछ नहीं करने का वादा कर रहा हूं, तो दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन। जैसे कि अगर मैं बहुत सिगरेट पीता हूं और आप लोगों को बड़ी फिक्र है कि यार अगर शशांक सर को कुछ हो गया तो हमारे कोर्स का क्या होगा, हमारी एग्जाम का क्या होगा, तो हमको कौन गाइड करेगा प्रॉपरली। तो आपको बड़ी फिक्र है कि यार शशांक सर को कुछ होना नहीं चाहिए, और इसीलिए आप लोग सब एग्री करते हैं कि हम सब 1-1 लाख रुपए जमा करेंगे एंड हम सर को पूरे ये पैसे जो जमा होंगे ये दे देंगे, लेकिन एक शर्त रखेंगे कि सर आप सिगरेट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे। तो हाथ नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली ऐसे मुंह से पी लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, तो हाथ भी नहीं लगाओगे आप सिगरेट को। अगर ऐसा वादा किया जाए तो ये भी पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे मैं सिगरेट को छोड़ रहा हूं, कुछ नहीं करने का वादा कर रहा हूं। सो समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस का मतलब है कुछ चीज नहीं करना। तो कुछ करना तो कंसिडरेशन हो ही सकता है, उसी प्रकार से कुछ चीज नहीं करना भी कंसिडरेशन हो सकता है। अगर मैं सिगरेट मना करता हूँ, सिगरेट नहीं पीने का वादा करता हूँ, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, एग्जाम में आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सो आप इसमें ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन किस चीज के लिए पूछा गया है। तो जो इंटेंशन है आगे वाले का, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे एब्सटिनेंस के ऊपर चर्चा करने को चाह रहा है एग्जामिनर, चाह रहा है कि भाई आप एब्सटिनेंस क्या है वो समझाए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि एक चाचा जी है, वो अपने भतीजे को बोलते हैं बेटा तू अगर दारू नहीं पिएगा तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा।
सो ऐसे केसेस में क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आप लिखेंगे यस। आप यहाँ सोशल ऑब्लिगेशन, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये सब बकवास नहीं लिखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको पूछा क्या जाएगा। एक बात और बता दूं, मैंने आपको जैसा बोला हूं कि ये अपन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बेसिकली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फास्ट ट्रैक बैच रहने वाली है। सो कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर द नेक्स्ट पॉइंट। सो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, पास्ट का मतलब है जो ऑलरेडी कर चुका है। जैसे मैंने बोला था कि जाओ मेरी अंगूठी ढूंढ के लाओ, आपने ढूंढ के ला लिए। मैंने उस टाइम कुछ पैसे की बात नहीं किया था, बाद में मैंने बोला कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। सो द पास्ट एक्ट जो आपने पहले से कर चुका है, दैट बिकम्स द पास्ट कंसिडरेशन। सो इन दिस केस पास्ट कंसिडरेशन क्रिएट हो गया जो पहले से कार्य कर चुके हैं, क्योंकि वो मेरे डिजायर पे किया गया था। मैंने आपको बोला था जाओ मेरी अंगूठी ढूंढ के लाओ, आपने ढूंढ के लाया। तो ऐसे केस में मैं जब वादा कर दूंगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट कंसिडरेशन। देन द सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है जो तुरंत होता है, अभी मैंने पैसा दिया और अभी मैंने गुड्स ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट कंसिडरेशन। एंड तीसरा जो है दैट इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन का मतलब है जहां पे आपने आगे कोई चीज करने या नहीं करने का वादा किया है। जैसे कि आप जाते हैं और एक्टिवा बुक करके आते हैं, बट आप बोलते हैं कि मुझे एक्टिवा आज नहीं चाहिए, मेरे को परसों चाहिए, परसों दशहरा है और दशहरे के दिन मैं एक्टिवा खरीदना चाहता हूँ। सो ऐसे केसेस में आपने पहले बुकिंग अमाउंट दे दिया, आपने ना पूरा पैसा दिया ना आपको अभी पूरी गाड़ी मिली है, बट फिर भी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरी तरह से वैलिड हो गया। दिस इज कॉल्ड एज इवन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। इसको एग्जीक्यूटरी भी बोलते हैं बिकॉज बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। देन कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं। मैं अगर चाहूं तो मैं अपना ये मोबाइल 50 रुपए में बेच सकता हूँ। अगर मैं 50 रुपए में ये मोबाइल बेचना चाहूं तो ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे अगर कंसिडरेशन है दैट इज सफिशियंट, देयर शुड बी समथिंग समथिंग इन रिटर्न। कितना हो ये कहीं नहीं लिखा है। सो कंसिडरेशन शुड बी समथिंग इन रिटर्न। ऐसा जरूरी नहीं, इट शुड बी इक्विवेलेंट टू द प्रॉमिस। जितने की चीज दी जा रही उतना ही मिले, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। सो कंसिडरेशन कुछ तो भी होना चाहिए, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। अगर कंसिडरेशन है तो इट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर लेकिन कल चल के कंसेंट चैलेंज होती है, मैं अगर कल चल के कोर्ट चला जाता हूं और बोलता हूं मैं क्यों बेचूंगा 50 रुपए में इतना अच्छा मोबाइल, सो ऐसे केस में अगर कंसेंट चैलेंज करता हूं मैं, सो कोर्ट ये भी पॉइंट देखेगा, हाँ यार बात तो सही है, इतने सस्ते में क्यों बेचा होगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये चीज फिर तब क्वेश्चन की जा सकती है। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है, आपको यहाँ लिखना है कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप वॉइडेबल नहीं लिखोगे, आप बोलोगे इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट। फिर कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग इन समथिंग विच इज रियल, विच हैज सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। तो कुछ तो भी रियल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इल्यूजन। ये पाप पुण्य की बात नहीं करता है, यहाँ पे एक्चुअल में कुछ तो भी चीज होना चाहिए, वैल्यूएबल चीज होना चाहिए। इट कैन बी अ सर्विस, इट कैन बी सम गुड्स, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इवन अ प्रॉमिस, पर इट शुड नॉट बी एन इल्यूजन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलोगे कि बेटा मैं तेरे को मैंने समझो किसी किसी व्यक्ति को बोला कि बेटा तू मेरे को 50,000 रुपए दे, मैं तेरे को स्वर्ग भिजा दूंगा। सो ये नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, सो इट शुड बी रियल, इट शुड नॉट बी इल्यूजन। अब रियल के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इंस्टेंसेस ऑफ गुड कंसिडरेशन मीन्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। फर्स्ट पॉइंट है फॉरबियरेंस टू स्यू। फॉरबियरेंस का मतलब होता है छोड़ देना। जब मैंने किसी को छोड़ दिया, मैंने बोला जाओ मैं तुमसे पैसा क्लेम नहीं करता, मैं तुमसे रिकवरी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा। सो मैंने जब उसको छोड़ दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा, दिस इज अ परफेक्टली वैलिड कंसिडरेशन। दूसरी चीज कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम्स एंड कंपोजिशन विद क्रेडिटर्स। दोनों ही सिमिलर नेचर के हैं और इसीलिए मैं दोनों को साथ में बता देता हूँ। झगड़ा चल रहा था मेरे और एक क्रेडिटर के बीच में। क्रेडिटर बोलता है पैसे का झगड़ा है, जैसे मेरे को पैसा देना है, मैं बोलता हूँ 50,000 देना है, वो बोलता है नहीं 80,000 देना है, दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। हम लोग एग्री करते हैं कि एक काम करते हैं, अपन इसको 70,000 में निपटा देते हैं। सो ऐसे केसेस में इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम्स या कंपोजिशन विद क्रेडिटर्स। दोनों ही सिमिलर प्रकार की चीजें हैं। दिस विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन अगेन कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किए जाते हैं जिसमें आगे झगड़ा ना हो, इसीलिए हम अभी से तैयारी करके रखते हैं। दिस इज ऑल्सो परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर। जैसे 11 मंथ्स के रेंट एग्रीमेंट बनाए जाते हैं ताकि आगे चल के झगड़ा ना हो, कि आगे चल के बाद में बोल रहे हैं कि नहीं मैं खाली नहीं करूंगा जगह, तो इसलिए पहले से ही आपने 11 मंथ्स का एग्रीमेंट बनाया ताकि आगे झगड़े ही ना हो।
पहले से बोल दिया 11 महीने बाद एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, अगर आपको उसके बाद रहना है तो यू विल हैव टू रिन्यू द एग्रीमेंट। देन कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल का मतलब होता है इट शुड बी समथिंग लीगल, इट शुड नॉट बी इलीगल। अगर आप सुपारी देने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज नॉट अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अ प्री एग्जिस्टिंग ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, पहले से जो निर्धारित आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए आप पैसे नहीं मांग सकते। जैसे पुलिस वाले की जिम्मेदारी है चोर पकड़ना, अब चोर घुसता है कहीं तो पुलिस वाला ये नहीं बोल सकता कि मुझे पहले पैसे दो फिर मैं चोर पकड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी है, इट इज अ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। कानून जिम्मेदारी देता है कि तुमको चोर पकड़ना ही है, तुम उसके बदले पैसा क्लेम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर विटनेस को कोई गवाही देने के लिए बुलाया जाता है तो ही कैन नॉट डिमांड मनी कि कोर्ट में गवाही देने में आऊंगा तो लेकिन मुझे 50,000 रुपए दो, ऐसा नहीं बोला जा सकता। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में ये सब चीजें होना अनिवार्य है, ये सब चीजें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन कहलाई जाती हैं। देन कंसिडरेशन नहीं हो तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, दिस इज द जनरल रूल। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ना हो तो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, सो इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। बट ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही लिखे गए हैं कि अगर इन केसेस में कंसिडरेशन ना भी हो तो भी द कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है, आइए इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दोनों पार्टीज के बीच में घनिष्ठ प्रेम का संबंध है, जिसमें एग्रीमेंट इज बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू इच अदर, पार्टीज बहुत क्लोज संबंध में बंधे हुए हैं। सो पहला घनिष्ठ प्रेम, दूसरा नियर रिलेशन टू इच अदर, कंडीशंस ध्यान रखो, तीसरा इट शुड बी इन राइटिंग, चौथा इट शुड बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का क्या मतलब है, तो ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि रजिस्टर्ड का मतलब है आप जाते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में और वहां जाके सरकारी ऑफिस में उसको रजिस्टर करवा लेते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर। तो रजिस्टर होने के टाइम आपको कुछ स्टैंप ड्यूटी भी भरना पड़ता है, गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना पड़ता है, नॉमिनल कुछ अमाउंट देना पड़ता है। सो अगर ये सब चीजें मौजूद होती है कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पे फिर हम सोशल ऑब्लिगेशन और ये सब चीजों की बात नहीं करते। जैसे कि एक केस आपको दिया था राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें एक हस्बैंड होता है वो वाइफ को वादा करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच रोज के झगड़े चलते रहते हैं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ झगड़े ही झगड़े होते हैं, और इसीलिए दोनों जन एग्री करते हैं। हस्बैंड बोलता है वाइफ को, तुम जाके अलग रहो, मैं तुमको हर महीने का खर्चा पानी भेजते रहूंगा। अब यहाँ पे वाइफ एग्री कर जाती है, लेकिन वाइफ को पता होता है कि ये लिखा के लेना जरूरी है और रजिस्टर करना जरूरी है, तो वाइफ इसको लिखवा लेती है और रजिस्ट्रेशन कर लेती है। अब वाइफ को लगता है कि शी इज प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें मौजूद है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, देन एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। सो वाइफ को लगता है अपन प्रोटेक्टेड है, वो जाके अलग रहती है। अब अलग तो रहती है बट बाद में हस्बैंड उसको पैसे नहीं देता। जब कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट बताता है कि यहाँ पे तुम्हारे बीच तो घनिष्ठ प्रेम का संबंध ही खत्म हो चुका है और इसीलिए ये जो एक्सेप्शन है दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू यू, और यहाँ पे फिर क्लेम नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता दूं जो आपको एग्जाम में आया है और जिसका आंसर जो है वो गलत दिया गया है, जो कि वैसे मैं हमेशा पढ़ाते टाइम बताता ही हूँ। आपको एक एग्जाम में आया है रमेश और लाली का केस, जो कि आपको बुक में दिया हुआ है। जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, मैं पूरे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है वो मैं खुद ही आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। सो ये जो रमेश और लाली का केस है, इसमें बताया गया है कि रमेश वादा करता है लाली को कि मैं तुमको बर्थडे के ऑकेजन पे आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मैं तुमको इतना इतना पैसा दूंगा जिससे तुम बर्थडे पे खर्चा कर सको। अब वाइफ इसको लिखा के ले लेती है और वाइफ उसको रजिस्टर कर लेती है। अब यहाँ पे सवाल यह है, क्या रिकवरी की जा सकती है? द आंसर शुड बी येस, रिकवरी की जा सकती है, बिकॉज पार्टीज आर स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू इच अदर, देयर इज अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, द एग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आंसर तो है यस, लेकिन इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड आंसर है उसमें आंसर दिया गया है नो, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि इट इज अ सोशल ऑब्लिगेशन, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। बट मैं आपको बता दूं, आपको लिखना है कि यस इट कैन बी रिकवर्ड। आप जरूर आखिर में एक नोट चिपका दे, नोट लेके जाना है आपको 2,000 रुपए का, वो 2,000 रुपए का नोट चिपका देना है पेपर में ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। नहीं, ऐसा मत करना तो नहीं तो ले गए नोट और चिपका दिए, नोट वैसा नहीं, आपको एक नोट लिखना पड़ेगा कि नोट एज पर सजेस्टेड आंसर गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई, द आंसर इज
इट कैन नॉट बी रिकवर्ड सिंस इट इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, बट ये आपको सिर्फ नोट में लिखना है, द रियल आंसर इज इट कैन बी रिकवर्ड। इंस्टीट्यूट कभी कभी गलत आंसर देता है, बट हमको सही आंसर लिखना है। ऑफ कोर्स जब हमको पता है इंस्टीट्यूट ने गलत दिया है आंसर, सो यू शुड मेंशन इट इन दी नोट, नोट में लिख देना। तो आपने अपना पॉइंट भी बता दिया और आपने ये भी बता दिया मेरे को इंस्टीट्यूट का आंसर भी पता है, आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं काटे जा सकते, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको फिर से बताया हूँ, कई बार बताया भी हूँ, आप फैक्ट्स मत लिखो जब भी आप आंसर्स लिखते हो, डायरेक्टली एप्लीकेबिलिटी प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन, फैक्ट्स लिखने पे आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो 3 मार्क 4 मार्क के आते हैं, तो ऐसे केसेस में आप फैक्ट्स में अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल टू कम्प्लीट दी क्वेश्चंस, आपके पूरे क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। आपको 100% क्वेश्चंस लिखना ट्राई करना है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, 100% लिखना ही है। आप खुद सोच के देखो, 100% लिखोगे और उसमें से अगर 50% मार्क्स मिलते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पेपर ही 80% सॉल्व करते हैं और 50% मार्क्स मिलते हैं तो आपको 40 मार्क्स ही मिलेंगे। सो आपका हमेशा गोल होना चाहिए, यू शुड ट्राई टू कंप्लीट दी 100% क्वेश्चंस। और इसमें भी भले ही आखिरी में टाइम कम है तो भी प्रोविजंस और कंक्लूजन तो लिख के ही जाओ हर क्वेश्चन का, ठीक है। ये मैं आपको आखिरी क्लास में बता दूंगा, आखिरी क्लास में जब मैं पेपर पे कैसे प्रोसीड करना है वो मैं बताऊंगा, तो मैं आपको ये चीजें बता दूंगा। वैसे अगर आप देखना चाहें तो मेरा इंटरमीडिएट का एक वीडियो है जो अभी ICAI में रिसेंटली हुआ था, उसमें मैंने ये सब चीजें बताया हुआ हूँ, अगर आप चाहें तो वो रेफर कर सकते हैं, अभी रिसेंटली अपलोडेड है लास्ट वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हो, यूट्यूब पे है, विकासा में भी है, इंस्टीट्यूट के वेब चैनल पे और मेरे चैनल पे भी वो आपको दिखेगा। सो ये ध्यान रखो कि आपको आंसर सही लिखना है, और फिर आप लेकिन नोट में लिख दोगे कि भाई इंस्टीट्यूट ने ये आंसर दिया है, ठीक है। देन द नेक्स्ट एक्सेप्शन, जहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं हो तो भी वैलिड होता है, द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज एग्रीमेंट टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। इसमें अगेन दो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, दो प्रकार के एग्रीमेंट आते हैं। पहला एग्रीमेंट पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, वॉलेंटरी सर्विसेज का मतलब होता है जब हमने अपनी इच्छा से कार्य किया है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने अगर आपको बोला हूँ अंगूठी ढूंढ के लाओ और आप ढूंढ के लाते हैं, फिर मैं वादा कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप पैसा क्लेम कर सकते हैं। बट अगर मैंने बोला ही नहीं ढूंढ के लाने और आप खुद ढूंढ के लाते हैं तो आप पैसा नहीं क्लेम कर सकते, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे भी लेकिन ध्यान रखो, आपको मैंने कुछ बोला नहीं, आपने अंगूठी ढूंढ के लाए, अब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इट वॉज नॉट एट माई डिजायर, फिर भी मैंने वादा कर दिया कि मैं पैसा दूंगा, सो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। अब इस एक्सेप्शन की जरूरत क्यों थी, क्योंकि इट इज नॉट एट माई डिजायर, मेरे बोलने पे आपने नहीं ढूंढा है, फिर भी मैंने जैसी वादा किया ना तो आप क्लेम अप कर सकते हैं। सो इवन इफ इट इज अ वॉलेंट्री सर्विस, इट इज नॉट एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, फिर भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकेंगे, ठीक है। सो ये एक एक्सेप्शन आ गया। दूसरा एक्सेप्शन इसी में कवर होता है, लीगली कंपेलेबल ड्यूटी। समझो आप दूसरे शहर से आते हैं नागपुर में रहने के लिए, अब आपके पिताजी यहाँ पे किसी को जानते हैं, आपके पिताजी के कोई फ्रेंड है और उनको फोन करते हैं वो कि यार मैं बेटे को भेज रहा हूँ नागपुर में, तो उसके थोड़े रहने खाने के लिए कोई रूम वगैरह देख के रखना और खाने वाने का भी कुछ उसका टिफिन सर्विस वगैरह देख लेना। अब जो पिताजी के फ्रेंड है वो बड़े क्लोज हैं, वो पिताजी को बोलते हैं, आपके पिताजी को बोलते हैं, अरे घर का बच्चा है बाहर थोड़ी रहेगा, अपने घर में रखूंगा मैं, और रूम है अपने यहाँ पे, वहां पे रखूंगा, वहां पे अच्छे से खाना वाना खाएगा और पढ़ाई करेगा। अब यहाँ पे पिताजी की जिम्मेदारी थी कि आपके रहने खाने की व्यवस्था करके दें, बट ये किया किसने, ये किया है अंकल जी ने, यानी पिताजी के फ्रेंड ने। ऐसे केसेस में वैसे तो पैसा क्लेम नहीं किया जा सकता इफ नथिंग वॉज एग्रीड, बिकॉज इट वॉज नॉट डन एट द डिजायर ऑफ द फादर, फादर के डिजायर पे नहीं था ये, तो अपनी इच्छा से उन्होंने किया है। बट जैसे ही फादर प्रॉमिस कर देंगे, पिताजी को लगता है कि यार ये तो गलत है, उसको उनको पैसे तो देना चाहिए, और पिताजी वादा कर देते हैं कि देखो बेटा आपके यहाँ रह रहा है तो मैं 8,000 रुपये आपको महीने का दूंगा, ऐसे केसेस में जैसे ही वादा कर लिया गया, इट बिकम्स अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ इट इज नॉट एट द डिजायर ऑफ फादर, पिताजी के डिजायर पे नहीं था, इट वॉज डन वॉलेंट्रीली, ये भी वॉलेंट्री है, लीगली कंपेलेबल ड्यूटी। किसकी ड्यूटी थी यहाँ पे सपोर्ट करने की, सो पिताजी की, बट किया किसने, अंकल जी ने। सो अंकल जी वैसे तो क्लेम नहीं कर सकते, बट एज सून एज पिताजी वादा कर देंगे कि मैं पैसे दूंगा, देन अंकल जी क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखते जाओ जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये चीजें आपको बस समझते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, और घर पे एक बार रिवाइज जरूर कर लो, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया अपन फास्ट ट्रैक चल रहे हैं, सो मैं रीड करके नहीं बताऊंगा, बट आपकी ये जिम्मेदारी है, जैसे ही मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया आपका उसी दिन वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा पढ़ के, और पूरे उसके साथ में क्वेश्चंस,
आपका बिल्कुल साथ साथ में कवर हो जाएगा। 1 घंटे की क्लास, 1 घंटा घर पे पढ़ो, लॉ खत्म। लॉ में कोई भी दिक्कत नहीं बचेगी, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले कोई क्लास किया है या नहीं किया। आपने नहीं भी किया है तो भी 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो ये दूसरा एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन, एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार डेट। टाइम बार डेट का क्या मतलब होता है? टाइम बार डेट का मतलब होता है एक ऐसा डेट, एक ऐसा पैसा जिसको 3 साल से ज्यादा हो गए और आपने रिकवर नहीं किया। अगर 3 साल से ज्यादा हो चुके और आपने रिकवर नहीं किया, देन यू कैन नॉट रिकवर इट लीगली। आप लीगली उस पैसे को आप क्लेम नहीं कर सकते। सो ऐसे केसेस में एक एक्सेप्शन काम आता है। समझो मैंने किसी को पैसा दिया था और वो पैसा मैंने रिकवर कर लेना चाहिए था 2015 में, अब उसने मुझे पैसा वापस ही नहीं किया। ऐसे केसेस में मैं कोर्ट जाके अब रिकवर नहीं कर सकता। 5-6 साल हो गए, अब मैं रिकवर नहीं कर सकता। अब मैं कोर्ट जाऊंगा तो कोर्ट बोलेगा, शर्मा जी आप सोए हुए थे क्या? अभी तक इतने दिन तक के कोई छोड़ता है क्या? तो अब हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे अगर डेटर खुद आता है मेरे पास और बोलता है, शर्मा जी मैं आपको पैसे आपके दे दूंगा, तो क्या ये वैलिड हो जाएगा? द आंसर इज नो। बट हाँ, वो अगर लिख के देता है और साइन कर देता है, रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है, लिख के देता है सिर्फ कि हाँ शर्मा जी मैं आपको आपके वो जो 5 साल पुराने पैसे थे वो मैं देने को तैयार हूं, ये तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा, देन इट विल बिकम परफेक्टली वैलिड एंड एनफोर्सेबल। तो टाइम बार डेट यानी जो 3 साल पुराना हो गया, लीगली आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, बट अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप डेटर से लिखा के ले लो और उससे साइन करवा लो, देन इट विल बिकम एनफोर्सिएबल, ठीक है? सो कुछ एग्रीमेंट्स का लिखित होना जरूरी होता है। उनमें से एक एग्रीमेंट है एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार डेट, ठीक है? कुछ एग्रीमेंट्स का लिखित होना और रजिस्टर्ड होना भी जरूरी होता है, जैसा कि एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वो लिखित भी होना और रजिस्टर्ड भी होना। यहां पे सिर्फ लिखित होना, रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देन कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब है जो ऑलरेडी दे चुके हैं वो आप रिकवर नहीं कर सकते। जैसे पप्पू और पिंकी के बीच में घनिष्ठ प्रेम था, पप्पू ने बहुत सारे गिफ्ट दिया था पिंकी को बाद में, लेकिन पिंकी जो रहती है वो लॉयल नहीं रहती, वो किसी और के साथ घूमते हुए पाई जाती है। अब पप्पू बोलता है कि मैंने जितने गिफ्ट दिया था तुमको, सब गिफ्ट मुझे वापस दो, तो क्या वो क्लेम कर सकता है वापस? द आंसर इज नो। गिफ्ट वंस गिवन, कंप्लीटेड गिफ्ट वर्ड है, एक बार दे चुके हैं देन यू कैन नॉट रिकवर। प्रॉमिस किया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप कितने भी वादे करो कि मैं तुमको आईफोन लाके दूंगा, आईफोन 12 दूंगा, कितने भी वादे करो, इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन एक बार दे दिया बात खत्म हो गई। गिफ्ट की डेफिनेशन ही है, इट इज समथिंग विदाउट कंसिडरेशन। जो विदाउट कंसिडरेशन दिया जाता है दैट इज गिफ्ट। दे दिया गिफ्ट तो गया, लेकिन अगर वादा किया है तो इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। सिर्फ आप वादा करते हो, मैं भी तुमको ये लाके दूंगा, वो लाके दूंगा, जितना करना है करो, कोई जिम्मेदारी नहीं आती, लेकिन एक बार दे दिया लाके बात खत्म हो गई, अब वो उसकी हो गई चीज, ठीक है? सो देने का नहीं, सिर्फ वादे करते जाओ। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है, मैं एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता हूँ कि तुम मेरे बिहाफ पे गुड सेल कर दो, तो दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी, जैसा कि कंसाइनमेंट होता है। अब कंसाइनमेंट के केसेस में क्या होता है, एजेंसी के केसेस में क्या होता है, जब मैं एजेंट को अपॉइंट करता हूं कि तुम ये गुड्स सेल कर दो, तब मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं देना पड़ता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि देयर इज नो कंसिडरेशन व्हाइल क्रिएटिंग एन एजेंसी। एजेंसी करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जैसे मेरे को एक मकान बेचना है, मैं मकान बेचने को एक एजेंट को अपॉइंट करता हूँ कि भाई ये बिकवा दे, तब मेरे को कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, लेकिन वो जब कार्य कर देगा तब वो पैसा क्लेम कर सकता है। सो व्हाइल अपॉइंटिंग एन एजेंट, व्हाइल क्रिएटिंग एन एजेंसी, कोई कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? सो ये एक और पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट, बेलमेंट। बेलमेंट में अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट है, ग्रेटिशियस का मतलब होता है जहां पैसे के लिए काम नहीं किया गया। जैसे मैं आपको अगर अपनी कार दूंगा यूज करने के लिए, तो क्या मैं आपसे पैसा चार्ज करूंगा? नहीं, ऐसा थोड़ी करूंगा मैं, तो ये छी होता है। एक दोस्त से कभी पैसा थोड़ी चार्ज किया जाता है। तो मैं आपको अगर एक कार देता हूं कि जाओ लेके जाओ, घूमो फिरो, लाके दे देना शाम को, ऐसे केस में मैं आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इट इज परफेक्टली वैलिड इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, सिंस इट इज अ ग्रेटिशियस बेलमेंट। तो दो प्रकार के बेलमेंट होते हैं। ग्रेटिशियस का मतलब होता है विच इज नॉट फॉर मनी, जहां पैसे के भावना से नहीं किया गया, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मैंने आपको वो चीज दिया था। इट इज ऑल्सो वैलिड इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। रेमिशन, एक अमाउंट, जब मैं एक अमाउंट छोड़ दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज रेमिशन। बहुत डिटेल में आगे आने वाला है, अभी सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे किसी से 50,000 रुपए लेने थे,
मैंने बोला भाई जाने दे, नहीं चाहिए 50,000, छोड़ जाने दे। तो ऐसे केसेस में अगर मैंने वो पैसा छोड़ दिया, सो इट इज कॉल्ड एज रेमिशन। रेमिशन में भी मैं उसको छोड़ रहा हूं, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ प्राप्त हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। सो इवन इफ देर इज नथिंग इन रिटर्न, देन ऑल्सो इट विल बी अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी में क्या होता है, आपको कुछ पैसा चाहिए था, आप बैंक जाते हैं, बैंक वाला बोलता है साहब हम आपको कैसे पैसा दें, आपके ऊपर तो हमको भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी ना प्रॉपर्टी है ना आपने कभी लोन लिया है, तो आप वापस करोगे नहीं करोगे ये हम कैसे बताएं। और इसीलिए बैंक बोलता है कि एक गारंटर को लाओ, एक बहुत नामी व्यक्ति जो होगा जिसका पूरे समाज में नाम है उसको लेके आओ, वो अगर बोलेगा कि हाँ पैसे दे दो तो हम देंगे। तो आप जाते हैं बैंक के पास, आपने बैंक को बोला मुझे पैसा चाहिए, बैंक बोलता है कि आप किसी की गारंटी लेके आओ। आपको याद आता है कि नामी व्यक्ति कौन है, तो आप मेरे पास आते हैं शशांक सर के पास, मेरे को बोलते हैं सर चलो ना बैंक में ऐसा बोल दो कि मुझे पैसे दे दे, अगर आप बोल दोगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। मैं जाता हूं और बैंक में बोलता हूं पैसे दे दो, ये बराबर वापस करेंगे, अगर इन्होंने वापस नहीं किया तो मेरे से रिकवर कर देना। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट इज परफेक्टली वैलिड इवन इफ मेरे को कुछ भी पैसा प्राप्त नहीं हो रहा। मुझे इसमें श्योरिटी कहा जाता है, इसमें जो व्यक्ति पैसा लेके जा रहा है इसको प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं, जो व्यक्ति पैसा दे रहा है इसको क्रेडिटर बोलते हैं जो कि बैंक है, और जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है इसको गारंटर नहीं बोलना, इसको हम बोलते हैं श्योरिटी, क्योंकि वैसे तो गारंटर बोलते हैं हम आम बोलचाल की भाषा में, बट हम लॉ के स्टूडेंट है तो हम इसको गारंटर बोलने के बदले हम बोलेंगे ही इज अ श्योरिटी। सो श्योरिटी को यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होता, आपको पैसा मिल रहा है, बैंक को ब्याज मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिला, कुछ नहीं, फिर भी ये पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देर आर थ्री पार्टीज, तीन पार्टीज होती है और तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों के तीनों के बीच में एक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब मिला के गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बेलमेंट एंड गारंटी आर नॉट इन योर कोर्स, बट जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको ध्यान रखना है, बाकी का जो है वो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ने को मिलेगा। फिर चैरिटी, चैरिटी भी अगर आपने एक्चुअली कर चुके हो तो फिर आपको वो वापस लेने का अधिकार नहीं होता, बट सिर्फ प्रॉमिस करने में कोई मतलब नहीं होता। जैसे केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में हमने देखा था, उसने बोला मैं 5 लाख रुपए डोनेट करूंगा फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन हॉल, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हो चुका है तो उसमें फिर उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले देखा। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है एक ऐसा रूल जो कि किसी ना किसी केस लॉ के ऊपर आधारित है, इसके पीछे हमेशा एक कोर्ट का केस होगा। सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी क्या बोलती है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी बोलती है कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ वही उसको एनफोर्स करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके बीच में हुआ है, सो आप मुझसे पूरा करवा सकते हैं, मैं आपसे पूरा करवा सकता हूं, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति वो पूरा नहीं करवा सकता। आपका कोई भाई है, आपके कोई पेरेंट्स है, तो वो लोग पूरा नहीं करवा सकते इसको। तो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो आप मेरे पे केस फाइल कर सकते हैं, मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ, और कोई व्यक्ति यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। इसी को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। सिर्फ जब पार्टी होगी तभी केस फाइल किया जा सकता है, अगर पार्टी नहीं है तो केस फाइल नहीं किया जा सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंसिडरेशन दिया या नहीं दिया, अगर कंसिडरेशन नहीं दिया तो भी केस फाइल किया जा सकता है। जैसा कि हमने चिन्नैया वर्सेज रामैया के केस में देखा, चिन्नैया वर्सेज रामैया के केस में क्या हुआ था, चिन्नैया वर्सेस रामैया के केस में अगर आप देखो तो सी जो है, सी इज अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्टी है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 में सी एंड आर आर पार्टीज, और इसीलिए सी कैन क्लेम, सी क्लेम कर सकती है सिंस शी इज अ पार्टी इवन इफ शी इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। उसने कंसिडरेशन नहीं प्रोवाइड की है बट फिर भी वो क्लेम कर सकती है बिकॉज शी इज अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो पार्टी होना जरूरी है, सो पार्टी होगी तो क्लेम कर सकते, पार्टी नहीं होगी तो क्लेम नहीं कर सकते, और वैसे भी फ्राइडे है तो फ्राइडे को तो पार्टी होना ही चाहिए। फिर वही चीज है कि पार्टी तभी क्लेम कर सकती है जब देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, इसको बहुत आसान शब्दों में ऐसे ध्यान रखो कि अगर पार्टी है तो क्लेम कर सकते, पार्टी नहीं है तो क्लेम नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंसिडरेशन दिया या नहीं दिया, कंसिडरेशन मैंने नहीं दिया तो भी मैं क्लेम कर सकता हूं इफ आई एम अ पार्टी। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें और कुछ केसेस है जो मैं आपको समझा के बता देता हूँ।
इसमें एक केस ऐसा हुआ था कि मिस्टर ए होते हैं, एक मिस्टर ए थे और वो शादी करना चाहते थे एक दूसरी लड़की से, समझो मिस डी, इनसे शादी करना चाहते थे। मिस्टर ए के एक पिताजी थे और इनके ससुर जी भी थे, फादर इन लॉ दोनों के पिताजी। दोनों के पिताजी सोचते हैं चलो ये दोनों की शादी करा देते हैं, लेकिन ये लोग कुछ कमाई तो करते नहीं, इसीलिए ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अपन एक काम करेंगे, अपन इन लोगों की शादी के बाद इनको कुछ पैसा देंगे। तो पिताजी बोलते हैं मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, और फादर इन लॉ बोलते हैं मैं भी 2 लाख रुपए दे दूंगा, और इन दोनों की शादी करा देते हैं। इससे फिर 2 लाख 2 लाख जमा करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ बिजनेस या कुछ भी काम करके ये अपनी जीविका कमा लेंगे। अब ये दोनों एग्री करते हैं, दोनों की शादी हो जाती है, ए और डी की शादी हो गई। अब पिताजी ने तो अपना पेमेंट कर दिया, बट फादर इन लॉ पेमेंट करने से मना कर देते हैं, वो बोलते हैं मैं पैसा नहीं दूंगा। अब एक केस फाइल करना चाहता है फादर इन लॉ के ऊपर। सवाल ये है क्या केस फाइल किया जा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? कॉन्ट्रैक्ट तो फादर और फादर इन लॉ के बीच में है। ए इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस ही कैन नॉट क्लेम। सो यहां पे क्लेम नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द बेसिक रूल कि ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम, बट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम। अब यहाँ पे कुछ लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब है यहाँ पे जनरल रूल अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे इवन इफ अ स्ट्रेंजर, इवन इफ द पार्टी इज, इवन इफ इज नॉट अ पार्टी, इवन इफ इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट देन ऑल्सो ही कैन क्लेम। ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन है बेनिफिशरी, बेनिफिशरी इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। एक ट्रस्ट क्या होती है और इसका निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। एक ट्रस्ट का मतलब होता है जहां पे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पे भरोसा है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है मिस्टर टी, सॉरी मिस्टर टी नहीं, मिस्टर एस। मिस्टर एस को भरोसा है अपने एक दोस्त के ऊपर, दोस्त का नाम हम रख देते हैं मिस्टर टी, और इसीलिए वो क्या करते हैं, मिस्टर एस एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, एक लैंड ट्रांसफर कर देते हैं टू मिस्टर टी, और मिस्टर टी को बोलते हैं इस लैंड से जो भी बेनिफिट्स आएंगे ना, ये मेरे लड़के के लिए यूज करना। सो मेरा लड़का जो है बेनिफिशरी, इसके लिए पूरे इससे बेनिफिट्स जो आने वाले हैं ये यूज करना, जो भी इस पे रेंटल इनकम वगैरह आएगी तो ये इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, इसकी शादी ब्याह के लिए अपन खर्चा करेंगे। टी एग्री करता है, प्रॉपर्टी दे दी जाती है। सो ये हो गया एक बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। फॉर्म ट्रस्ट में क्या होता है, एक व्यक्ति जो ट्रस्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं सेटलर, फाउंडर या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। जिसके ऊपर भरोसा किया गया है उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, और जो व्यक्ति को पैसा प्राप्त होने वाला है, बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ही इज कॉल्ड एज अ बेनिफिशियरी। फिर जो प्रॉपर्टी दी जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब ऐसे केसेस में अगर कल चल के बी को पैसा न दिया जाए तो क्या बी क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। इवन इफ यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है एस और टी के बीच में, बट स्टिल बी कैन क्लेम क्योंकि यहां पे ट्रस्ट क्रिएट हुआ है। सो ट्रस्ट के केस में इवन इफ देयर इज अ नो प्रिविटी, बी और टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी बी कैन क्लेम। इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान रखने वाली बात है जमीन प्रॉपर्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये जो ऊपर वाला केस था इसका नाम है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, केस का नाम याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। इस केस में ए क्यों क्लेम नहीं कर पाया था, क्योंकि देयर वॉज नो प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी होती तो यहां हम बोलते थे कि हाँ क्लेम किया जा सकता है। जैसा कि एक केस में हुआ था ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें एक मिस्टर एस होते हैं और एक डी होती है लड़की, ये दोनों की शादी कराने की बात होती है। यहाँ पे जो एस के पिताजी होते हैं और डी के पिताजी होते हैं, यानी एस के फादर इन लॉ, ये दोनों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इनकी शादी करा देते हैं, और जो पिताजी हैं वो वादा करते हैं कि मैं अपनी जो बहू है इसको एक खर्चाए पानदान दूंगा। खर्चाए पानदान का क्या मतलब है, मींस एक पिन मनी, जैसे पॉकेट मनी होता है उस प्रकार से मैं परपेचुइटी तक हमेशा के लिए इसको पैसे देते रहूंगा। अब जो पिताजी होते हैं एस के पिताजी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया है, इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज विद फादर इन लॉ। बट इसमें एक खास बात यह होती है कि पिताजी एक प्रॉपर्टी इसके लिए कहीं पे चार्ज कर देते हैं, प्रॉपर्टी रख देते हैं, जिससे जो भी इनकम आएगी वो इनकम वो देने की बात करते हैं टू डी। अब यहाँ पे कुछ टाइम तो इनकी शादी प्रॉपर चलती है, बट बाद में झगड़ा हो जाता है और जो डी है वो अलग रहने चली जाती है।
अब क्योंकि डी अलग रहती है तो अब पिताजी इसको पैसे देने से मना कर देते हैं, बट डी यहाँ पे क्लेम करती है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, और कोर्ट ने बोला यस मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसे ही रिश्ते निर्माण हो गए जैसे ट्रस्ट में होते हैं। इवन एक ट्रस्ट क्रिएट नहीं किया गया था पर रिलेशन तो वैसे ही हो गए। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ पे एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी रखी गई थी और प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम डी के लिए यूज की जाने वाली थी। यहाँ पे फर्क ये था कि यहाँ पे देर वॉज नो प्रॉपर्टी, ट्विडल वर्सेज एटकिंसन में देर वॉज नो प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टी रखी गई थी एंड हेंस यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। सो ये पहला एक्सेप्शन है आपका बेनिफिशियरी इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। लेट्स सी बेनिफिशियरी, इसमें ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम का जो केस है इसमें वही हुआ था। एस और डी की शादी की जाती है, ए और बी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मिस्टर ए बोलते हैं कि मैं पैसा दूंगा परपेच्युटी तक। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे ही इवन मेड हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी लायबल फॉर द पेमेंट। ध्यान रखो, आपको अगर एग्जाम में ये नहीं भी लिखा है तो भी आप अपने आप अज्यूम कर लेंगे। अगर आपको दिख रहा है खर्चा ए पानदान ये वर्ड, सो यू विल अज्यूम दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं पे रखी गई होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर चार्ज की गई है तो क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर नहीं भी लिखा है तो यू विल अज्यूम कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी गई है। आप ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि देयर इज नो प्रॉपर्टी, आपको यही अज्यूम करना है कि देयर इज अ प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप अपने मन से अपोजिट अज्यूम मत करो। जो पॉइंट पे क्वेश्चन है अगर वो खर्चा है पानदान बोल रहा है तो यहाँ पे उसका ये बोलना है कि भाई क्लेम किया जा सकता है। सो यू विल ऑल्सो राइट द आंसर इन दैट वे। आप चाहो तो क्लैरिफाई कर दो, इफ देर इज नो प्रॉपर्टी फिर क्लेम नहीं किया जा सकता, बट बेसिक मेन आंसर यही लिखोगे कि प्रॉपर्टी है ये हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बाद में भले ही नोट में लिख दो इफ देर इज नो प्रॉपर्टी फिर क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस। देन सेकेंड केस था फैमिली सेटलमेंट का। फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है, जब विल नहीं होती है तो लोगों के बीच में झगड़ा होता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है धीरू, धीरू के घचक जाने के बाद उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी बट उन्होंने वसीयत नहीं बनाया। अब उनके दो लड़के थे अनु और मुकु, ये दोनों के बीच में झगड़ा हो गया कि ये प्रॉपर्टी किसको मिलना चाहिए। झगड़ा जब सॉल्व नहीं किया जा सका तो दोनों ही जन आपस में बैठ के इसको सुलह करा लेते हैं। अनु बोलता है कि मुझे ये दे दे, मुकु बोलता है तू ये रख ले। दोनों जन अपना एग्री कर लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट में नीचे दोनों पार्टी साइन करते हैं और ये हो जाता है एक फैमिली सेटलमेंट का डॉक्यूमेंट। इसके बाद अब झगड़ा खत्म हो गया, जो प्रॉपर्टी अनु ने रखा वो अनु की हो गई, जो मुकु ने रखा वो मुकु की हो गई। बाद में पता लगता है एक और वारिसदार था इनका चिंटू। चिंटू कहीं से उत्पन्न होता है और बोलता है कि मुझे भी इस प्रॉपर्टी में अधिकार है। वो प्रूव करता है कि उसका भी अधिकार है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो अनु और मुकु के बीच में हुआ था बट जो थर्ड पार्टी है चिंटू, चिंटू कैन चैलेंज दिस कॉन्ट्रैक्ट। चिंटू यहाँ क्लेम कर सकता है कि मुझे भी मेरा हिस्सा दो। सो बिना बताए अगर ऐसा कुछ किया, कई बार होता है कि दो भाई भारत में रह रहे हैं, एक भाई यूएस में है, यूएस वालों को पता भी नहीं और यहाँ के दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया। जब यूएस वाले को पता लगेगा तो यूएस वाला भाई यहाँ पे आके क्लेम कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट में भी जिसको हक नहीं दिया गया है, इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन क्लेम ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर असाइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब असाइन किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। जैसे कभी कभी आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आप अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, एलआईसी पॉलिसी, वो बैंक के फेवर में रख देते हैं। बैंक को बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी रख लो और हमको लोन दे दो। अब यहाँ पे लोन तो ले लिया गया और असाइनमेंट कर दिया गया, कल चल के अगर डेथ हो जाती है, समझो मैं गया था मेरी डेथ हो गई, तो यहाँ पे क्या बैंक क्लेम कर सकती है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी? द आंसर इज यस। भले ही कॉन्ट्रैक्ट मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में था, मैं गया था एलआईसी निकाला लाइफ इंश्योरेंस और मैंने ये अपने बैंक के फेवर में असाइन कर दिया, अब यहाँ पे बैंक कैन क्लेम द अमाउंट। कल चल के अगर मेरी डेथ हो जाती है तो इवन इफ बैंक इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? मेरे और एलआईसी के बीच में, बट स्टिल बैंक कैन क्लेम ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट। बैंक को यहाँ अधिकार है कि बैंक क्लेम कर सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर मेरी डेथ के बाद मेरे वारिसदार मेरा लड़का है, मेरी वाइफ है, तो ये लोग भी क्लेम कर सकते हैं। देन प्रोविजन फॉर मैरिज एंड मेंटेनेंस। क्या होता है जब एक एचईएफ होती है, एचईएफ का जब पार्टीशन होता है तो कई बार एग्री किया जाता है कि थोड़ा सा पैसा हम अलग निकाल के रख देंगे। क्यों निकाला जाता है? तो बोला जाता है कि ये जो पैसा है ये यूज किया जाएगा फॉर दी एजुकेशन या मैरिज ऑफ सम गर्ल चाइल्ड, किसी एक कन्या के लिए या किसी एक सेकेंड थोड़ा शोर हो रहा है।
वो क्या है, मेरे घर के आजू बाजू दो दो मंदिर है, तो वो देवी का भी आरती चलती रहती है। खैर हाँ, तो ऐसा है, मैं आपको बता रहा था कई बार ऐसा एग्री किया जाता है एचईएफ में कि हम कुछ पैसा निकाल के अलग रख देंगे, और ये जो पैसा है ये पैसा दिया जाएगा जब बच्ची का पढ़ाई होगी, आगे पढ़ाई करेगी, या उसके जो मैरिज है उसके लिए दिया जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है कि पैसा अलग निकाल के रखा जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बाय द मेल मेंबर्स। जितने भी मेल मेंबर्स है ये लोग एग्री करते हैं कि ये पैसा हम अलग निकाल के रख देंगे और ये कन्या को हम बाद में देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी कौन है, ओनली द मेल मेंबर्स, बट वो जो लड़की है, वो जो बच्ची है, वो भी क्लेम कर सकती है। कल चल के अगर उसको उसका पैसा ना दिया जाए तो ऐसे केस में शी कैन क्लेम बाय फाइलिंग अ सूट, वो केस फाइल कर सकती है। तो देखो ये सब एक्सेप्शंस है, बेसिक रूल है, जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वही क्लेम कर सकता है, बट ये एक्सेप्शन है, मीन्स जो पार्टी नहीं है वो भी यहाँ पे क्लेम कर सक रहा है। ठीक है, सो ऐसा है। फिर अगला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, तो एजेंट के थ्रू जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पे भी क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो रहा है, प्रिंसिपल ने गुड्स दे दिया एजेंट को और एजेंट इसको थर्ड पार्टी को सेल करता है। अगर कल चल के थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करता है तो क्या यहाँ प्रिंसिपल क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। भले ही कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ था, बट प्रिंसिपल बीइंग अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही कैन ऑल्सो क्लेम। सो इन दिस केस ऑल्सो प्रिविटी अप्लाई नहीं होता, और एक पार्टी ना होते हुए भी, एक व्यक्ति पार्टी ना होते हुए भी क्लेम कर सकता है। सो हम वही पढ़ रहे हैं कि कब कब एक व्यक्ति पार्टी ना होने के बावजूद क्लेम कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है जब मैंने एक्नॉलेज कर दिया, मैंने वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे को पैसा दूंगा, मैंने तुम्हारा पैसा अपने पास रखा हुआ है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है कैटरीना, उसको मेरे को कुछ 5,000 रुपए भिजाना था, अब मैं भिजा नहीं पा रहा हूँ। एक दिन हमारा फ्रेंड आता है सल्लू, सल्लू को मैं दे देता हूँ 5,000 रुपए, मैं बोलता हूँ ये कैटरीना को दे देगा क्या? वो बोलता है हाँ। वो यहीं से फोन करता है और कैटरीना को बोलता है कि कैटरीना, वो शर्मा जी ने तुम्हारे 5,000 रुपए दिए हैं, मैं तुम्हारे बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेज करना, ही हैज एक्नॉलेज्ड कि मैं तुम्हारे पैसे होल्ड कर रहा हूँ। जैसे ही इसने एक्नॉलेज कर लिया, अब यहाँ पे कैटरीना कैन रिकवर फ्रॉम सल्लू। इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और कैटरीना के बीच में था, बट यहाँ पे भी सल्लू से थर्ड पार्टी से क्लेम किया जा सकता है, या थर्ड पार्टी कैन क्लेम। सो ये एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल आपको सेम टू सेम दिया है। कभी कभी कोई कोई कोवेनेंट्स अटैच होते हैं विद द लैंड, कंडीशंस लगी होती है विद द लैंड, तो ऐसे केसेस में वो जो कंडीशंस है वो फॉलो करना पड़ता है, इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ नहीं था। जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में कुछ किराएदार हैं, ये प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की। अब किराएदार का कॉन्ट्रैक्ट था मिस्टर ए के साथ, कल चल के मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं टू मिस्टर बी। अब सवाल यह आता है क्या बी रेंट क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। जैसे ही बी ने खरीद लिया, बी बिकम्स द ओनर। अब इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज विथ ए, जो टेनेंट है, किराएदार है, उसका कॉन्ट्रैक्ट था ए के साथ, बट स्टिल यहां पे बी कैन क्लेम द परफॉर्मेंस इवन इफ ही इज नॉट द पार्टी। उसी प्रकार से टैक्सेस पे भी सेम रूल लगता है। अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स आते हैं तो वो जब तक ए ओनर था तो ए पे करेगा, जैसे ही ओनरशिप बी को ट्रांसफर हो गई तो अब ये बी पे करेगा, भले बी और टैक्स अथॉरिटी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ए और टैक्स अथॉरिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। तो ऐसे केसेस में कोवेनेंट्स भी साथ साथ ट्रांसफर होते हैं, कंडीशंस भी ट्रांसफर होती है। आपको बुक में एक क्वेश्चन दिखेगा जिसमें एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी बेचता है दूसरे व्यक्ति को, और डीड में स्पेसिफिकली लिखा है कि ये 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है, इसमें से 9 एकड़ तुम जैसा यूज करना चाहो करो, लेकिन 1 एकड़ मेरे लड़के के लिए रहने देना पड़ेगा, वो जैसा यूज करना चाहे वो यूज करेगा। सो ऐसे केस में अगर ये कंडीशन लगाई गई है तो एनी पर्सन हु इज बाइंग दिस प्रॉपर्टी विल बी बाउंड बाय दैट कंडीशन। सो कंडीशंस अगर लगाई गई है, कोवेनेंट्स आर अटैच्ड विद द लैंड, सो कोवेनेंट्स वैसे के वैसे अप्लाई होंगे। सो ऐसे केस में जो भी व्यक्ति अब ये प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी लड़का है वो लड़के को 1 एकड़ यूज करने देना पड़ेगा, आप पूरी जमीन यूज नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन इज अटैच्ड विद द लैंड। कॉन्ट्रैक्ट भले मेरे साथ हुआ था बट मैंने कल चल के आपको बेच दिया, यू आर ऑल्सो बाउंड बाय दैट कंडीशन, आपको भी जो लड़का है उस लड़के को 1 एकर यूज करने देना पड़ेगा। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द पॉइंट जहां पे एक व्यक्ति अगर कल चल के उसको उसका अधिकार ना मिले तो वो भी क्लेम कर सकता है, बिकॉज द कोवेनेंट इज अटैच्ड विद द लैंड, इवन इफ ही इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही कैन क्लेम।
वो परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है, वो बोल सकता है मुझे मेरा एक एकर दो। सेम क्वेश्चन आपको इस बुक में दिखेगा, सो आपको साथ साथ में करते जाना है। एज पर प्रॉमिस आज आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट टू चैप्टर्स पहले हो गए, जितने ट्रिकी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ये अपन अगले क्लास में देखेंगे। यहां तक अगर आपको अब कोई डाउट होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आपका ये जो फास्ट ट्रैक बैच है, मैं फिर से बता दूं, 100% कवर करता है। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जो मैं स्किप करूंगा, 100% कवर होगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है मैं क्या क्या चीजें नहीं कर रहा हूं। मैं डायग्राम नहीं बनाने का सोचा था बट वो मैंने चालू कर दिया क्योंकि मेरा सिस्टम आ चुका है, सो मैं डायग्राम बना लूंगा साथ साथ में मैं। लेकिन आपको क्यूमुलेटिव रिविजन नहीं कराऊंगा कि पिछली क्लास में क्या हुआ था, वो रिवाइज नहीं करा सकता मैं, तो क्योंकि अपने पास टाइम कम है। दूसरी चीज, मैं वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करूंगा, बाकी कंसेप्ट 100% समझाऊंगा। रिपीटेशन नहीं करूंगा मैं, एक चीज एक बार बता दिया फिर से मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा। सो 30 डेज में अपना तभी कंप्लीट होगा, क्योंकि वैसे 120 आवर्स का कोर्स है। 120 आवर्स के कोर्स को आप छोटा छोटा करके 30 आवर्स में ला रहे हो, और फिर भी हम कुछ स्किप नहीं करेंगे। टाइम कैसे बच रहा है अपना, 25% टाइम अपना बच रहा है जो कि अपन रीड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादा ही, 30-35% टाइम अपना रीड नहीं करने के कारण बच जाएगा। उसके अलावा बाकी का टाइम रिविजन नहीं करने के कारण 25-30% उसके कारण बचेगा, और डायग्राम्स में उतना डिटेल में मैं नहीं बना रहा हूँ तो उसमें अपना टाइम बचेगा। सो अल्टीमेटली अपना 75% टाइम सेव हो रहा है, और 25% टाइम में अपन पूरा कवर कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली दिस इज सफिशियंट, यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड द टॉपिक अर्लियर। भले पहले आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप आराम से क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को, और ये गारंटी रहेगी अगर आप ये प्रॉपरली कर लेते हैं तो आपको 60 में से आराम से 40 मार्क मिल जाएंगे। बस मेरे हिसाब से करो, मैं जैसा बोला हूँ मैंने यहाँ पढ़ा दिया, आपकी जिम्मेदारी है घर पे एक बार रीड करना ही है, साथ साथ में आज ही घर पे रीड करना है, आज ही क्वेश्चन आंसर्स देख लेना है। आपका 30 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा लॉ, बिल्कुल भी सिर्फ 2 घंटे में, सिर्फ 60 घंटे में आपका लॉ कंप्लीट हो रहा है। 60 घंटे में 60 मार्क, तो 60 मार्क में से आपके 40 मार्क में गारंटी दूंगा आपको मिल जाएंगे अगर आप साथ साथ में पढ़ोगे जैसा मैंने बताया वैसा, ठीक है। और अगर आप पूरी बैच कर लेते हैं फिर तो देखना ही नहीं, पूरी बैच अगर करते हैं बट वो 120 आवर्स की है, जो रिकॉर्डिंग आपके पास ऑफकोर्स अवेलेबल है। अगर कहीं आपको और थोड़ा डीप में जाना है ऐसा लगता है सो यू कैन रेफर दैट बैच ऑल्सो। अब कोई भी डाउट हो आपके तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे का चैप्टर जो है वो अगली क्लास में चालू करूंगा सैटरडे यानी कल, और परसों के दिन अपन छुट्टी रखेंगे। परसों मेरे ख्याल से दशहरा है, जहां तक मेरा ख्याल है परसों दशहरा है। सो कल भी मैं, वैसे कल अष्टमी वगैरह है तो मेरा सुबह घर पे पूजा रहती है, बट फिर भी मैं एडजस्ट करूंगा कैसा क्या होता है, थोड़ा टाइम चेंज कर सकता हूँ मैं, बट अल्टीमेटली क्लास होगी, ठीक है। और अगर आपको जमता है तो वी कैन ऑल्सो टेक इट फ्रॉम 7, बट खैर 7 बहुत जल्दी हो जाता, अभी नहीं डिसाइड करते, बाद में अपन देखेंगे। सो कोई डाउट है तो पूछ लो, वैसे अभी तक पूछे नहीं, मीन्स यू मे नॉट हैव एनी डाउट, और वैसे भी मैं पूरा क्लैरिफाई करते जाता हूँ। सो साथ साथ में पढ़ो, दैट इज दी ओनली की, कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, रिविजन करते जाओ, आपका पास होना 100% और अच्छे मार्क्स से पास होना 100% है, ठीक है। सो कोई डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं तो क्लास को कंक्लूड करते हैं। जो लोग नए ज्वाइन हुए उनको भी बता दूं, मैंने वैसे तो ब्रीफ कर दिया बट उनको भी बता दूं, इस प्रकार से ही चलेंगे अपन। ये फास्ट ट्रैक बैच है, इट इज नॉट रिविजन, इट इज फास्ट ट्रैक, 100% कवरिंग होगा। ऐसा बताऊंगा मैं जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा इसमें कि भाई मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ आपको, इट इज जस्ट लाइक हम पहली बार पढ़ रहे हैं वैसा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो तो क्लास को कंक्लूड करते हैं, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सीइंग द नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। थैंक यू।